हेलो गाइस, व्हाट्सअप। लास्ट वीडियो में हम कर चुके थे क्या दोस्तों, प्राइवेट इनकम के बारे में बातचीत। आज हम बढ़ेंगे अपनी आगे के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नई वीडियो लाऊंगा किसको कैलकुलेट करने के बारे में, डेट इज़ पर्सनल इनकम एंड द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो कि बहुत 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 ईजी है, बहुत ईजी है। प्राइवेट इनकम से तो लाख गुना ईजी फॉर्मूले हैं इनके और समझने में भी बहुत आसान। प्राइवेट इनकम आशा है आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने दो पेंडिंग वर्क की तरफ, जो हमें आज क्या क्या कैलकुलेट करना सीखना है। फर्स्ट इज़ आपकी क्या आ जाती है दोस्तों, आपकी पर्सनल वाली इनकम एंड द दूसरी आपकी आ जाती है दोस्तों व्हाट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हाँ जी दोस्तों, आखिर ये है क्या, इनके फॉर्मूले क्या है, संक्षिप्त में आगे देखेंगे। एक नया पेज जो मैं ले लेता हूँ आपके लिए, जैसे कि आपको जो है अच्छा खुला खुला दिखे और आप अच्छे से जो है पढ़ पाए। आइए दोस्तों देखिए, पेज नई इमेज आ रही है आपकी आंखों के सामने, जो होगी होगी किसकी, पर्सनल इनकम की। खुल जा सिम सिम। जी दोस्तों ये देखिए दोस्तों, फॉर्मूला बहुत प्यारा है, आपको बहुत ईजीली जो है समझ आ जाएगा। ये देखिए यू नो मैंने क्या लिख रखा है, हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम। जब आप प्राइवेट इनकम में से कुछ चंद चीज़ें माइनस माइनस करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, पर्सनल इनकम पे। कहाँ पहुँच जाओगे दोस्तों, जब आप फिर पर्सनल इनकम पे। तो आइए कि वो तमाम चंद चीज़ें हैं क्या जो हमें माइनस करनी है पर्सनल इनकम तक पहुँचने के लिए। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, पर्सनल इनकम तक पहुंचने के लिए आपको सारी चीज़ें जो है कॉरपोरेट की माइनस करनी है। अच्छा जी, कॉरपोरेट की माइनस करनी है, आखिर वो कॉरपोरेट की चीज़ें है क्या। आइए दोस्तों देखते हैं हमारी इस इमेज में। इफ़ यू वांट टू गो टू द पर्सनल इनकम फ्रॉम द प्राइवेट इनकम, सो यू हैव टू डिडक्ट टू थिंग्स, डैट इज़ कॉरपोरेट का इनकम टैक्स। ऑब्वियसली इनकम टैक्स आपको माइनस करना पड़ेगा अगर आपको पर्सनल इनकम में जाना है। अपनी इनकम में से अगर आपको अपनी पर्सनल इनकम निकालनी है, लाइक आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में आपने कमाए 10 लाख रुपए, लेकिन आपके उसमें से पर्सनल कितने हैं। 10 लाख में से टैक्स तो दोगे, कुछ सेविंग भी तो करोगे आगे री इन्वेस्ट करने के लिए कि अपने बिजनेस के लिए, तो आप कितने यूज़ कर सकते हो, अपनी पर्सनल इनकम कितनी है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ों का माइनस करना बहुत 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 ज़रूरी। फर्स्ट इज़ कॉरपोरेट इनकम टैक्स, जो आपको माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम द प्राइवेट इनकम। एंड द सेकेंड थिंग इज़ रिटेन अर्निंग और द कॉरपोरेट सेविंग। सेविंग का ही दूसरा नाम जो है रिटेन अर्निंग कहलाता है। जब आप प्राइवेट इनकम में से जब आप ये एक दो ये दो चीज़ें जब आप माइनस कर देते हैं, सो फिर आप जो है कहाँ पहुँच जाते हैं दोस्तों, फिर आप दोस्तों पहुँच जाते हैं अपने आप पर्सनल इनकम पे। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और बहुत प्यारा फॉर्मूला जो कि फटाफट याद हो जाता है वो याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इसको 1 मिनट 10 सेकंड देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राइवेट इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करा, रिटेन अर्निंग माइनस करी, पर्सनल इनकम पे पहुँच गए। अच्छा दोस्तों पढ़ लिया होगा, अब बात करते हैं दूसरी इनकम के बारे में, जो कि इससे भी ईजी है याद करना, डेट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डेट इज़ वॉट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब प्राइवेट से पर्सनल में जाना था ना, तो कुछ चीज़ें माइनस करवाई थी। तो अगर प्राइवेट इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल में जाना है तो भी क्या कुछ माइनस करना पड़ेगा। जी हाँ, तो भी आपको जो है 3 चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। आखिर वो 3 चीज़ें हैं क्या और उसका फॉर्मूला क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो कर दो माइनस किस में से, पर्सनल इनकम में से। जब पर्सनल इनकम में से एक दो तीन तीन चीज़ें माइनस कर दोगे तो कहाँ पहुँचोगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे।
और आखिर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉरी देख लिख लेते, आपको लिखना है मेरे को दिखाना है, माफ़ी चाहूँगा जी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैं पेज खुल जाओ सिम सिम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला आपकी आँखों के सामने ये रहा। ये देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा फॉर्मूला है आपकी आँखों के सामने जी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत नीला नीला जो है दिख रहा है, लेकिन अब आपको सफ़ेद दिख रहा होगा। हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को निकाला जाए, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का माइनस करना बहुत आवश्यक। किस में से? पर्सनल इनकम में से। पर्सनल इनकम में से कितनी चीज़ें माइनस? तीन चीज़ें, तीन चीज़ें। आखिर पहली चीज़ क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, आइए देखते हैं। पहली चीज़, पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, जो भी इंसान का अपना टैक्स है, अपना पर्सनल इनकम में से जो वो टैक्स देता है। जैसे कि एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपका बिजनेस है, आपने कमाए 10 लाख, ये बिजनेस की इनकम है, और बिजनेस का टैक्स बना 1 लाख, तो डेट इज़ 9 लाख, 9 लाख हुआ। लेकिन आप घर में भी तो आपकी कुछ इनकम होती होगी, एक आपकी रिटर्न फाइल होती है बिजनेस के नाम पे, एक रिटर्न आपकी फ़ाइल होती है आपके अपने नाम पे, आपके अपने नाम पे, तो इसका टैक्स अलग और इसका अलग। तो इसके अंदर पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, हम आपके अपने टैक्स के बारे में जो है बात कर रहे हैं। फिर भी आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आपको पर्सनल डायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्टली गिवन होगा। आइए दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट आइटम क्या थी दोस्तों आपकी, फर्स्ट आइटम थी दोस्तों आपकी क्या, डैट इज़ पर्सनल डायरेक्ट, पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, जो भी आपका पर्सनल डायरेक्ट टैक्स है वो माइनस करिएगा। एंड द सेकंड थिंग, जो भी आपने मिसलेनियस फीस जो गवर्नमेंट को दी है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है वो, या आपको डायरेक्ट गिवन होगी फ़ी टू द गवर्नमेंट, जो भी आपने मिसलेनियस फीस जो है गवर्नमेंट को दी है, या आप देख सकते हैं पर्सनल डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस फीस टू द गवर्नमेंट। एंड अ थर्ड, डेट इज़ वेरी इजी, जो भी आपने गवर्नमेंट को पेनल्टी या फाइन दी है, पेनल्टी या फाइन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो आपने इनकम टैक्स रेट बढ़ा है उस पर फाइन दिया है, या तो आपने कोई चलान वलान तोड़ा है, या फिर आपने कोई रूल तोड़ा है उस पर आपने पेनल्टी दी है, किसी भी फॉर्म में जो हो सकती है। तो यू हैव टू डू थ्री थिंग्स, फर्स्ट इज पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड इज मिसलेनियस फी ऑफ गवर्नमेंट, दोबारा मैं आपको साफ साफ करके दिखा देता हूँ, पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, सेकंड मिसलेनियस फीस ऑफ गवर्नमेंट डेट डायरेक्ट गिवन होगी, एंड द थर्ड इज पेनल्टी एंड फाइन टू द गवर्नमेंट। जब आप ये तीन चीज़ें डिडक्ट कर लेते हैं तो आप पहुँच जाते हैं पीडी की आई की तरफ, डेट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जी दोस्तों, ये थी दोस्तों हमारी छोटी 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 दो इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर मुश्किल से दो या तीन आइटम थे जिसको मैं बस डिडक्ट करना है। आशा है दोस्तों आपको मेरी जो है वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार हमें देते रहे, ताकि जो आपका ये प्यार है हमें वो बहुत मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। अपना जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कि ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो जो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सके व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे और क्वेरी के लिए, तो मैं आपकी क्वेरी जो है सॉल्व कर सकूँ, जिसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हो सके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।